नमस्कार, मैं हूँ यास्मी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से ही फैंस ने आलिया भट्ट और उनके परिवार को निशाने पर ले रखा है। कई लोगों का मानना है कि भट्ट परिवार नेपोटिज्म को बढ़ावा देता है और उन्होंने सुशांत के साथ भी बहुत बुरा किया था। इतना ही नहीं, सुशांत केस में फंसी रिया चक्रवर्ती से महेश भट्ट का कनेक्शन भी जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह है कि जो आम जनता का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात का खामियाजा आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 को भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही आलिया भट्ट की फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया था। सड़क 2 का ट्रेलर देखकर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का गुस्सा भड़क गया, जिसके बाद से ही आलिया भट्ट की फिल्म के इस ट्रेलर को लोग डिसलाइक कर रहे हैं। कुछ समय में ही सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक कर डाला है। सोशल मीडिया पर हो रही इस फजीहत के बीच केआरके ने भट्ट कैंप की जमकर खिल्ली उड़ाई है। इतना ही नहीं, केआरके ने तो इस बात का भी ऐलान कर दिया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोगों को भट्ट परिवार से आजादी मिल गई। सड़क 2 के ट्रेलर की खिल्ली उड़ाते हुए केआरके ने लिखा है, लोगों को आज भट्ट परिवार से आजादी मिल गई है। इस खुशी में आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक किया। अब ये फिल्म दुनिया में सबसे ज्यादा डिसलाइक पाने वाली फिल्म बन गई है। यूट्यूब पर ये एक बड़ा रिकॉर्ड है। केआरके ने भट्ट कैंप पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, अब भट्ट परिवार कोई भी फिल्म नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोई भी इनकी फिल्म को 2 रुपए में भी नहीं खरीदेगा। इन शानदार लोगों के लिए जोरदार तालियां। गौरतलब है कि महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 में आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर जैसे स्टार किड्स नजर आने वाले। ये फिल्म जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होने वाली है, लेकिन लोगों की नफरत इस फिल्म के लिए बुरी साबित हो सकती है। लोगों की खराब रेटिंग का असर फिल्म पर साफ देखने को मिल रहा है। मंगेश पीछे मंगेश।